सबसे पहले तो पहले तो ये है, मुझे मालूम है कि देखें ये बात करके ये बुजदिलों का अपोजिशन खड़े हुए हैं। एमल वली खान ने कहा है कि वो पठान है, वो बहादुर हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो आके इस बहादुरी का सबूत दें और उन पॉइंट्स पे बात करें जिस पे के हम उन्होंने जो इशू किए। ये कोई तरीका नहीं है, ये सियासी तरीका नहीं है चेयरमैन, कि आप बात कर लें और फिर भाग जाएं, दुम दबा के भाग जाएं। आज जो है मिनिस्टर्स नहीं आए, डजंट मैटर। आप मुझे बताएं कि आपने कोरम पॉइंट आउट किया है, आप जरा अपनी पुख्तून रवायात को वो रखें जिसमें कि आपने एक ऐसे मौके पे देखें चेयरमैन साहब, दिस इज ऑल फिक्स्ड, ये सारा फिक्स्ड मैच है, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे वो इस तरह का माहौल बनाना हो जिसमें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बात ना करनी दी जाए। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के डेमोक्रेटिक इसके हमारी पार्टी के खिलाफ हमारी इस पूरी मैं तो नहीं कह रहा, मैं नहीं चाहिए स्पीकर ऑन करें जी। हाँ साहब जी जी, बात यह है कि हम यहां पे सियासी बातें करते हैं लेकिन कानूनी बातें ज्यादा हमें करनी है क्योंकि इस हाउस का ये एक इस्तेकाक है। आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के एक लीडर ने मुख्तलिफ किस्म की बातें की। देखें लीडर बात कर सकता है और इस चीज का इम्तिहान क्या होता है कि जब किसी शख्स कोई इररेलेवेंट होता है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, जो रेलेवेंट सबसे होता है उसके बारे में सब बात करते हैं। आप टॉक शोज देख लें, आप डिस्कशंस देख लें, आप तकरीरें देख लें, आप सेनेट में देख लें, आप अपोजिशन में देख लें, सिर्फ इमरान खान और पीटीआई की बात होती है, वही इनका हदफ है। वो क्यों है? इसलिए पाकिस्तान के अवाम उस लीडर के बशमूल हमारे खड़े हुए हैं और ये जो 26वीं तरमीम के लिए देखें चेयरमैन साहब इस हाउस में ये हाउस नामुकम्मल है। मुझे बड़ा अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले एमल वली खान साहब, जिनके बड़ों के बारे में मैंने हमेशा हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और ये नहीं कि मैंने उनको खुश करने के लिए, कि ये एक हकीकत है खैबर पख्तूनख्वा का बाशिंदा होते हुए, तो मैं कंडेम करूंगा कोई भी, चाहे वो एमल वली खान हमारी पार्टी लीडरशिप की फैमिली के बारे में गलत बातें करें या कोई और इनकी फैमिली के बारे में गलत बातें करें, उसको हम कंडेम करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मुझे जो उसका रशिया डेलीगेशन का आया था चेयरमैन साहब, पहले तो जो इम्तिहान थे और कल मुझे दर्द हुआ और मैं रूट कनाल कराया जो कि शाहिद हमारे डेंटिस्ट हैं उनके उधर क्लिनिक में। अच्छा जी, वो तो आपकी बहुत है ना, वो तो आपकी बहुत है, वो तो आपके काम आती है। अच्छा दूसरी बात कि आप मुझे ये बताएं कि चेयरमैन साहब आप जो है ठीक इस इनकम्प्लीट हाउस के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई, अब ये सारी डिफीटेस्ट ये भागने वाली बातें हो रही हैं काकर साहब, ये भागने वाली बातें हो रही हैं। आप जरा दिल बड़ा करें और बातें सुने कि हमने क्या कहना, हमने किसी को गाली नहीं देनी है, हमने सिर्फ आईना दिखाना है, सिर्फ आईना दिखाना है हमने कि इस मुल्क में क्या क्या होता रहा है। त्रिपाठी इस वक्त जो है जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह से 26वीं तरमीम को लाया गया, जिस तरह से के हमारे कोरम हैज बीन पॉइंटेड आउट, बेल्स में भी रंग फॉर 5 मिनट्स हो गया भाई, हो गया, कोरम कॉल कर दिया।
हिदायत साहब बुलाएं इमल साहब को ना, यू शुड कम। नहीं नहीं, यू शुड कम। हाँ जी जी जी, वो बिकॉज द बेल्स आर रिंगिंग, लेट देम फिनिश देन वी विल पुट इट ऑन। जी जी हो गया भाई, हो गया, कोरम कॉल कर दिया। हिदायत साहब बुलाएं इमल साहब को ना, यू शुड कम। नहीं नहीं, यू शुड कम। हाँ